प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हम यहां पे बात करने वाले हैं किसके लिए होने वाला है, तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो जूनियर इंजीनियर की बहाली होती है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपका होने वाला है। हमारे चैनल पे पहली बार आप अगर जुड़ रहे हैं तो वीडियो को एक बार कंप्लीट ज़रूर देखें, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि जो भी वीडियो का अपडेट होगा वो आप तक मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो एकदम बिंदास होकर दिल खोलकर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि क्या रीज़न रहा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आया है, ताकि आपके रीज़न्स को पढ़ने के बाद मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकूं, जो कोशिश होगा हमसे मॉडिफाई करने का या चेंज करने का या बताने की तरीका, समझाने का शैली, जो भी आपको लगता है ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका एक छोटा सा फीडबैक मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें डरना नहीं है कि कहीं कमेंट कर देंगे, कुछ बोल तो नहीं देगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास होकर कमेंट करिएगा जो आपको लगे, है ना, किस कारण से आपको पसंद नहीं आया आप बिंदास होकर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने तमाम साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दो सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेक्शन 1 जो कि सिविल ब्रांच से होता है, और सेक्शन 2 जिसमें नॉन टेक्निकल होता है जो कि जनरल स्टडीज़ होता है। तो हमारा पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि स्टोन, जो स्टोन होता है वो टाइप होता है, उन्हें कौन सा स्टोन जो है टाइप होता है, मेटामॉर्फिक इन नेचर, स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रेटिफाइड होता है आपका स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है स्ट्रेटिफाइड होता है, और स्टोन का टाइप बताना है। तो ये जो स्टोन का टाइप होता है ये होता है आपका जिनेस। जिनेस जो है एक ऐसा टाइप ऑफ स्टोन होता है जो कि मेटामॉर्फिक इन नेचर होता है और स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात किया जाए तो स्ट्रेटिफाइड होता है, और नेचर जो होता है मेटामॉर्फिक नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ अ ब्रिक, जो मेजरमेंट होता है ब्रिक का जो कि 230 mm × 115 mm × 75 mm होता है, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर इट्स स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर का मेजरमेंट क्या होगा। तो स्ट्रेचर का मेजरमेंट होगा 230 mm × 75 mm, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टेड ऑन लाइम स्टोन, कौन सा जो है वो लाइम स्टोन पे टेस्ट नहीं किया जाता है। तो वो टेस्ट होता है स्टूड पूल ऑफ टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये आपका लाइम स्टोन पे कंडक्ट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम करिस्पॉन्ड्स टू, किसके करिस्पॉन्डिंग आपका होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है करिस्पॉन्डिंग होता है टू प्लास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट का प्लास्टिसिटी कितना अचीव कर रहा है उसके हिसाब से जो है इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होता है। जब लिक्विड मतलब जब पेस्ट बनाते हैं तो वो
मतलब लिक्विड आपका होता है ना, मतलब उसमें सैचुरेशंस होता है, लेकिन वो सैचुरेशंस धीरे धीरे टाइम पासेस के बाद आपका क्या होता है कि वो प्लास्टिसिटी स्टेट में चला जाता है ना, प्लास्टिसिटी स्टेट में चला जाता है। तो कितना टाइम वो लेगा कि वो प्लास्टिसिटी स्टेट में जा रहा है, तो वो जो टाइम होता है वो कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब सीमेंट का जो पेस्ट बनाए वो प्लास्टिसिटी स्टेट से हार्ड स्टेट यानी ड्राई स्टेट मतलब चला जाए, तो वो जो टाइम लेगा वो कहलाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। तो कोशिश रहता है अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर यूज़ कर रहे हैं यानी ओपीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कोशिश करते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा हो, कोशिश करते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा हो। क्यों? कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो मिक्सिंग होता है वो हम प्रॉपर तरीके से कर सके, ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा रहेगा तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो कोशिश करते हैं कि एक बार अगर हम मान कर चलो कॉलम बना रहे हैं, कॉलम में कंक्रीट प्लेस कर दिए, तो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सेट हो जाए, यानी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो हम कोशिश करते हैं कि 10 घंटा से कम का हो, है ना, 400 मिनट हो, 500 मिनट हो, 450 मिनट हो, लेकिन 600 जो मिनट होता है उससे हमारा कम होता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली, कौन सा मेथड जो है वो नहीं है सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली, तो वो है आपका यहाँ पे वाटर सीजनिंग। क्या है? वाटर सीजनिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है वेयर रेजिन इज यूज्ड एज रेजिन इन वर्निस में जो रेजिन यूज किया जाता है जो कि सूटेबल सॉल्वेंट होता है बिल्वी, है ना, तो सूटेबल सॉल्वेंट कौन होता है, तो वो होता है टर्पेंटीन। क्या होता है? टर्पेंटीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एग्रीगेट विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सी शोर और रिवर एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन कंक्रीट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, तो जो मिनिमम वॉइड हमारा प्रोवाइड करता है तो उसे कहा जाता है, वो हमारा होता है राउंडेड एग्रीगेट्स। कौन सा एग्रीगेट होता है? राउंडेड एग्रीगेट होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवेन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर हैज़ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के लिए, तो होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के टाइम में टोटल कितना पानी अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपका होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ कंक्रीट, कौन सा प्रोसेस जो है आता है बैचिंग इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ कंक्रीट के बाद, तो वो प्रोसेस आपका आता है मिक्सिंग। क्या होता है? मिक्सिंग। बैचिंग के बाद क्या होता है? मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ कंक्रीट में बैचिंग के बाद आपका आता है मिक्सिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन करेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग हॉट वेदर कंक्रीटिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हॉट
वेदर कंक्रीटिंग किया तो वो है डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है, जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है आपका एक्टिविटी थ्री के लिए, है ना, ये तीसरा एक्टिविटी के लिए, वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पहले तीन था और उसके बाद चार, तो चार प्लस तीन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा एक्टिविटी थ्री के लिए, तो सात जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, सात यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक बार चार्ट है, एक बार चार्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है, बार चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो बार चार्ट को आपका गैंट चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन ब्रिक मशीनरी बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाई लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नोन एज, है ना, हर एक कोर्स में तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। क्या कहा जाता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो है आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका चूज द ऑड वन आउट, मतलब जो भिन्न है अलग है उसको जो है यहाँ पे चूज करना है। तो जो अलग है वो है आपका यहाँ पे राफ्ट, है ना, राफ्ट जो है अलग है। देखो पाइल हो गया, है ना, वेल फाउंडेशन हो गया, कैजन हो गया, इन सभी में अगर कंपेरिजन्स किया जाए तो जो राफ्ट है वो अलग है, है ना, थोड़ा ऑड है, असंगत आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग टर्म टेक्निकल इज नॉट रिलेटेड टू पिच्ड रूफ कंस्ट्रक्शन, पिच्ड रूफ कंस्ट्रक्शन से, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे नोजिंग। क्या हो जाएगा, नोजिंग जो है आपका रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन न्यूटन पर केजी स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, तो क्या वैल्यू होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो देखो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम वैल्यू बात किया जाए तो होता है 6.67 गुने 10^-11 न्यूटन पर केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा, तो ये आपका है। अब ये ऑप्शन किस में दिया गया, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर बिलो द मेंबर एस विच कैरीज और कैरी जीरो फोर्स, है ना, जो मेंबर यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर में आपको बताना है कि कौन सा मेंबर जो है जीरो फोर्स को कैरी करता है या कैरीज करता है, मेंबर के बारे में आपको बताना है। तो जो जीरो फोर्स कैरी करता है वो ए बी मेंबर भी है, बी सी मेंबर भी है और बी ई मेंबर भी है, है ना, तो ए बी मेंबर आपका, बी सी मेंबर और बी ई मेंबर, ये तीनों जो मेंबर है ये क्या कैरी कर रहा है, जीरो फोर्स को कैरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट वन और लिस्ट टू को क्या करना है, आपको मैच करना है। लिस्ट वन में आपका क्वांटिटीज़ दिया गया है और लिस्ट टू में आपका एक्सप्रेशन दिया गया है। फॉर ए रिजिड बॉडी विद मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई थीटा ओमेगा एंड अल्फा बीइंग द डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली, तो करेक्टली आपको जो है चूज करके बताना है। तो यहाँ पे आपका जो रोटेशनल मोमेंट होता है ना,
जो रोटेशनल मोमेंट होता है वो होता है I इंटू अल्फ़ा। मोमेंटम जो होता है I इंटू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और वर्क डन जो होता है m इंटू थीटा। तो रोटेशनल मोमेंट I अल्फ़ा जो कि तीसरा में दिया हुआ है, मोमेंट जो है आपका I इंटू ओमेगा पहला में है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर जो कि फोर्थ आपका हो जाएगा, और वर्क डन जो है m इंटू थीटा ये हमारा फोर्थ में आपका है। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें, है ना, इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वाई वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब फोर्स लगा तो वो मतलब उसका शेप चेंज हो गया, और जैसे ही उस फोर्स को हटा दिए तो फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को इलास्टिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ जो है कितना है 4 मीटर आपका दिया गया है, सब्जेक्टेड टू अ UDL 4 kN/m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, तो देखो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू फार्मूला होता है WL स्क्वायर बाई 8। तो W है 4 गुने L है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो ये कट गया 2, और यहाँ पे 4 गुने 4 बटा 2, तो ये आ जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8, तो 8 किलो न्यूटन मीटर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो टर्म है EID^4 / DX^4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोमेंट को, नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ लोडिंग को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही EID^2 / DX^2 है, तो ये आपका मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर हम यहाँ पे लिख दें EID^3/DQ/YY/DX^3, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका शियर फोर्स को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स को ये टर्म आपका रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर ए रिक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम, तो वो हो जाएगा आपका पैराबोलिक कर्व। कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व को फॉलो करेगा, फॉलोज पैराबोलिक कर्व। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वन लीटर ऑफ लिक्विड डैट वेट्स 9 न्यूटन, जिसका वेट जो है 9 न्यूटन होता है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 917.43 kg/m³। ये कैसे आ जाएगा, तो इसको निकालने के लिए रो इज इक्वल टू W by G into V। यहाँ पे M इज इक्वल टू जो है W by G होता है, तो हम लोग जानते हैं रो यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वेट बाई G into V, तो वेट जो है हमारा दिया गया 9, है ना, और G का वैल्यू होता है 9.81
और वी वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 × 10⁻³। तो जो डेंसिटी आ जाएगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक लीटर यहाँ पे बोला जा रहा है एक लीटर के लिए, तो डेंसिटी आ जाएगा 917.43 केजी पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि अ रिवर बेसिन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 थिएसेन पॉलीगोन्स विद एरियाज इन द रेशियो ऑफ 0.45, 0.3 एंड 0.25। द रेन स्टॉर्म काउजेज डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन रिकॉर्डेड एट सेंट्रली प्लेस्ड रेन गेजेज इन द पॉलीगोन एरिया एज 38 mm एंड 55 mm एंड 42 mm रिस्पेक्टिवली। तो जो एवरेज डेप्थ होगा प्रिसिपिटेशंस का फॉर बेसिन वो क्या हो जाएगा, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरिया का रेशियो हमें दिया गया है, यानी A1/A इज इक्वल टू दिया गया है 0.45। सिमिलरली A2/A दिया गया हमारा 0.3 एंड A3/A दिया गया हमारा 0.25। तो यहाँ से P1, P2, P3 ये हमारा दिया हुआ है। तो P1 हमारा दिया हुआ है 38 mm, P2 दिया हुआ है हमारा 55 mm और P3 जो है दिया हुआ है हमारा 42 mm। तो एवरेज रेनफॉल हमें जो है निकालना है। तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P1 × A1/A प्लस P2 × A2/A प्लस P3 × A3/A। तो ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पुट करके, 38 × 0.45 प्लस 55 × 0.3 प्लस 42 × 0.25, तो हमें मिलकर आ जाएगा 44.1 mm। कितना आ जाएगा, 44.1 mm जो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज जो रेनफॉल है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज अप्लीकेबल व्हेन, कब अप्लीकेबल होता है। तो ये अप्लीकेबल होता है व्हेन आपका फ्लो जो होता है स्टेडी होता है, फ्लो वन डायरेक्शनल होता है और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शन। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस इज द राइट आंसर, मतलब तीनों ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेल्टन व्हील टर्बाइन है, फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ बकेट्स जेड ऑन रनर इज क्या हो जाएगा, मतलब क्या फार्मूला आपका यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू m/2 + 15। तो भाई m/2 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा है ना, m इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल D बाई स्मॉल D। तो हमारा z इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे DE/2D + 15। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अगला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो ये आपका जो जियोलॉजिकल साइकिल है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल का, तो इसमें सबसे पहले रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है और फिर अपहीवल होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू
है, तो ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इन ए ड्राई सॉयल ऑल द वॉयड्स आर फिल्ड विद एयर, बिल्कुल सही बात है। इन ए सैचुरेटेड सॉयल ऑल द वॉयड्स आर फिल्ड विद वाटर, ये भी सही है। इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल वॉयड्स आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ वाटर एंड एयर, तो तीनों तो सही ही हैं। एक फुल्ली सैचुरेटेड का केस है, एक ड्राई स्टेट का केस है, एक पार्शियली सैचुरेटेड का केस है, तो तीनों ही ऑप्शंस हमारा सही आएगा अकॉर्डिंग टू, अगर हम सॉयल के फेजेस के हिसाब से देखें तो हमारा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही हमारा क्या है, सही है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट वेट ऑफ कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉयल इज़ गिवन बाय, जो यूनिट वेट होता है ऑफ कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉयल का वो क्या होता है। तो कम्प्लीटली सैचुरेटेड जो सॉयल होता है उसका अगर यूनिट वेट हम लिखें तो y सैचुरेटेड इज इक्वल टू g प्लस e बाई 1 प्लस e इनटू कामा w। तो ये यूनिट वेट होता है कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉयल का। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सॉयल सैंपल हैज़ ए श्रिंकेज लिमिट, सॉयल सैंपल हैज़ ए श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल सॉलिड्स 2.7, पोरोसिटी ऑफ सॉयल एट श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट पे पोरोसिटी ऑफ सॉयल जो है आपको निकालना है श्रिंकेज लिमिट पे। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो वाटर कंटेंट हमारा 20% दिया गया यानी 0.2 हो जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया गया है 2.7, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन गुने वॉयड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम वॉयड रेशियो निकालेंगे तो वॉयड रेशियो हमारा आ जाएगा 0.2 इनटू 2.7 बाई 1, तो ये आ जाएगा 0.54, यह हमारा वॉयड आ गया वॉयड रेशियो। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉयड रेशियो बाई 1 प्लस वॉयड रेशियो, तो 0.54 बाई 1.54, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 0.35 पर आ जाएगा। अब परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, परसेंटेज में अगर हमें वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35% आएगा, और अगर डेसिमल में है तो 0.35 आएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.35। अगला क्वेश्चन है कि आपका प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट जो है सॉयल सैंपल का 35% और 70% दिया गया है, परसेंटेज ऑफ सॉयल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर दैन 0.002 mm इज 25, तो एक्टिविटी रेशियो ऑफ सैंपल, सैंपल का जो एक्टिविटी रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर निकालें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो 70 - 35 यानी 35% हमारा आ जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद परसेंटेज जो फ्रैक्शन ऑफ ग्रेन दिया गया है वो 25 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो 35/25 है ना, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू 35/25 हमारा क्या आ जाएगा, एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। तो 35/25 अगर करते हैं तो 7/5 यानी 1.4 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शंस आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ़ वन सॉयल परमिबिलिटी इज 0.7 mm/s डायमेंशन देन दिस टाइप ऑफ सॉयल इज, इफ़ वन सॉयल परमिबिलिटी इज 0.7 mm/s
डायमेंशन देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सैंड। कैसा सॉइल आएगा? सैंडी सॉइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सैंड विद इट्स वॉयड रेशियो हायर दैन इट्स क्रिटिकल वॉयड रेशियो इंक्रीजेज इन वॉल्यूम वेन सीयर्ड। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि सैंड विद इट्स वॉयड रेशियो, सैंड विद इट्स वॉयड रेशियो लेस दैन इट्स क्रिटिकल वॉयड रेशियो इंक्रीज इन वॉल्यूम वेन सीयर्ड। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि फॉर सैंड एट क्रिटिकल वॉयड रेशियो द वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सीयर इज मिनिमम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू और थ्री जो है आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन इन विच कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइंट टू फुटिंग इज नोन एज। जो फाउंडेशन होता है इन विच कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइंट टू फुटिंग इज नोन एज, तो उस तरीके का जो फुटिंग होता है उसे स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैप फुटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड, एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड एलोंग विद इट्स विर्थ इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका राइट ऑफ वे। क्या कहा जाता है? राइट ऑफ वे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन हाईवेज, हाईवे में जो लेंथ ऑफ व्हीकल होता है कंट्रोल डिज़ाइन ऑफ द, है ना, जो लेंथ ऑफ व्हीकल होता है कंट्रोल द डिज़ाइन ऑफ द, किस चीज़ को डिज़ाइन को कंट्रोल करता है? तो वो डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल करता है आपका ओवरटेकिंग डिस्टेंस को। किसको? ओवरटेकिंग डिस्टेंस को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हेन द विड्थ ऑफ कार पार्किंग, व्हेन द विड्थ ऑफ कार पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट आर लिमिटेड जनरली प्रीफर्ड पार्किंग सिस्टम इज, जो प्रीफर्ड पार्किंग सिस्टम होता है वो कितना हम लोग प्रीफर करते हैं? तो पैरेलल पार्किंग हम लोग प्रीफर करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल पार्किंग प्रीफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पोजीशन ऑफ बेस कोर्स, पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, किसमें? फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो पोजीशन होता है बेस कोर्स का वो कहाँ पे होता है बेस कोर्स का पोजीशन? तो बेस कोर्स का पोजीशन होता है ओवर सब बेस, सब बेस के ऊपर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट वन और लिस्ट टू को जो है आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट वन में आपका टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल और लिस्ट टू में एडवांटेज जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्री टाइम्ड सिग्नल, है ना, क्या दिया गया है? प्री टाइम्ड सिग्नल। जो प्री टाइम्ड सिग्नल है ये आपका क्या होता है, डिले इज हेल्ड टू अ मिनिमम एंड मैक्सिमम लेन कैपेसिटी इज अचीव्ड, तो ए का क्या हो जाएगा? थ्री। ए का क्या हो जाएगा? थ्री। उसके बाद व्हीकल एक्चुएटेड सिग्नल, व्हीकल एक्चुएटेड सिग्नल, तो जो व्हीकल एक्चुएटेड सिग्नल होता है ये आपका होता है आपका यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुली यूज्ड इन लिंक्ड सिस्टम, तो बी का क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। और लिंक्ड ट्रैफिक सिग्नल, जो लिंक्ड ट्रैफिक सिग्नल है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे यूजफुल फॉर जंक्शन ऑफ साइड स्ट्रीट हैविंग लो ट्रैफिक वॉल्यूम विद मेन स्ट्रीट हैविंग हैवी फ्लो, तो जो डी है उसका वन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है सेमी व्हीकल एक्चुएटेड सिग्नल, तो ये हो जाएगा ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, तो सी का टू
तो हमने क्या देखा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो 3, 4, 2, 1 आपका जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो 3, 4, 2, 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी में आपका आ रहा है। किसमें? ऑप्शन सी में यहाँ पे जो है आपका आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ गेज इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो टाइप ऑफ गेज है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि इन ब्रॉड गेज में जो क्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल 1.676 मीटर आपका होता है, तो बिल्कुल ये पॉइंट सही है। उसके बाद दूसरा है, इन मीटर गेज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल इज़ 1.24 मीटर, नहीं ये गलत है आपका। इन नैरो गेज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल 0.67, क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा सही है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो पहला और तीसरा जो है हमारा क्या है, सही आपका स्टेटमेंट दिया गया है ना। पहला स्टेटमेंट ब्रॉड गेज का आपका 1.6 और नैरो गेज का आपका 0.76, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पोजेज, जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है ये पोजेज करता है आपका हायर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और स्मॉल क्रीप स्ट्रेंथ, तो बोथ ए एंड बी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर यहाँ पे जो है हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड अजम्पशन, कौन सा जो है वैलिड अजम्पशंस जो है आपका नहीं है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन के लिए। किसके? रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन के लिए। तो कौन सा जो है वैलिड अजम्पशन नहीं है, तो वैलिड अजम्पशन नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये वैलिड अजम्पशन जो है आपका नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इन फुली स्ट्रेस्ड वायर इंटेंशन व्हाट इज द LD/5 फॉर FA 250 ग्रेड ऑफ स्टील एंड M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। LD जो है डेवलपमेंट लेंथ और फाई जो है डायमीटर ऑफ बार, तो डेवलपमेंट लेंथ एंड डायमीटर ऑफ बार का रेशियो क्या होगा फॉर फुली स्ट्रेस्ड बार इन टेंशन फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FA 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो देखो इसका LD इज इक्वल टू होता है सिग्मा ST इंटू 5/4 टाउ BD, ठीक है। तो LD/5 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा SD/4 इंटू टाउ BD एंड टाउ BD इज इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पे 0.9, क्या होता है 0.9, तो सिग्मा SD हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा 39 हमारा जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा D इज़ द राइट आंसर, 39 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार, 39 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, है ना। इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर
देन कम्बाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड के केस में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, एज पर IS 456/2000 इन डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, इन डिज़ाइन ऑफ फुटिंग द बियरिंग प्रेशर ऑन लोडेड एरिया सेल नोट एक्सीड द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाई अ वैल्यू इक्वल टू। वैल्यू जो है किसके इक्वल टू आपका आता है, तो वैल्यू आपका इक्वल टू होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ए वन बाई ए टू बट नॉट ग्रेटर देन टू, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव वेथ, कैलकुलेट द इफेक्टिव वेथ ऑफ ए कंटिन्यूअस आइसोलेटेड टी बीम ऑफ क्लियर स्पैन 9 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 120 mm एंड विड्थ ऑफ वेव 400 mm एंड विड्थ ऑफ फ्लेंज इज 1500 mm। तो कैलकुलेट करना है इफेक्टिव वेथ ऑफ कंटिन्यूस आइसोलेटेड टी बीम का, ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम का। तो ये हमारा बी एफ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एल नोट डिवाइडेड बाई एल नोट बाई बी प्लस 4 का होल इनटू होल प्लस बी डब्लू। तो ये फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूला पे जो है सारा वैल्यू पुट करेंगे, है ना, एल नोट जो है हमारा 6300 आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो हमारा यहाँ पे बी है वो 1500 और बी डब्ल्यू जो है 400, बी डब्ल्यू जो है 400। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1170 mm बी एफ का। तो बी टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा जो बी एफ होता है, है ना, वो इक्वल टू बी होता है, तो हमारा 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो बी जो है हमारा 1500 ले लिए तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो यहाँ पे 1170 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि प्रोसेस वाई विच प्रिसिपिटेशन इज कॉज्ड, प्रोसेस वाई विच प्रिसिपिटेशन इज काउज्ड एंड हेल्ड बाई फोलिएज ट्विग्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज श्रब्स एंड अदर वेजिटेशंस एंड लॉस्ट बाई इवेपोरेशन नेवर रीचिंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शंस यहाँ पे इंटरसेप्शन, क्या कहते हैं इंटरसेप्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ए फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.7 गुने स्क्वायर रूट एफ सी के, तो 0.7 इंटू स्क्वायर रूट 20, तो आ जाएगा एफ सी आर आ जाएगा हमारा फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ आ जाएगा 3.13 मेगा पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, विद अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स, स्टील जो है डिक्रीज करता है इट्स डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को क्या करता है डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट फास्टनर शैल नॉट एक्सीड इन द डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस इज अ स्टील स्ट्रक्चर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट फास्टनर शैल नॉट एग्जिस्ट एक्सीड कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका 32T या 300 mm से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन इज़ गिवेन बाय द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन इज़ गिवेन बाय, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टी डी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ बाई बाई कामा एम ओ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फंक्शन बिटवीन द फ्लेंज द फंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड बेव ऑफ द बीम इज़ नोन एज द फंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड बेव ऑफ द बीम इज़ नोन एज उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है आपका यहाँ पे फिलेट। किसके नाम से जाना जाता है, फिलेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एज पर आईएस 800 2007 इन द डिज़ाइन ऑफ अ ट्रस मेंबर जॉइंटेड बाई बेल्डिंग इन कंप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेन प्रोवाइडेड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर सेल बी टेकन एज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कनेक्शंस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.7 से लेकर 1। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है इज सूटेबल एंड स्टेबल, है ना, सूटेबल होना चाहिए स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट इफ कब, तो एम 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, लिस्ट वन में मेंबर और लिस्ट टू में फोर्स इंड्यूस्ड दिया गया है। तो ये आपका लाइन डायग्राम आपका दिया गया है ना, जो कि आप देख सकते हो ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी डी और ई। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया 2 मीटर 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी आपका 2 मीटर का है। यहाँ पे ई पॉइंट पे लोड जो है 10 kN लग रहा है, सी पे जो है 30 kN लग रहा है और ये जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से ये जो है आपका 45 डिग्री का एंगल जो है ये आपका बना रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है लिस्ट वन और लिस्ट टू में जो है आपको दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि मेंबर आपका जो ए बी है, ए बी मेंबर में कितना जो है आपका लगेगा, तो ए बी मेंबर में हमारा जो है 0 आएगा, ए बी मेंबर में 0 आएगा। उसके बाद आपका ई डी, ई यहाँ पे ई डी मेंबर है ही नहीं और ई डी मेंबर में तो हम वो हमारा करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा ए सी, तो ए सी मेंबर में हमारा यहाँ पे आ जाएगा -10 यानी 10 kN, तो आपका ये हो जाएगा। और बी डी मेंबर है ना, बी डी मेंबर में अगर हम बात करें तो बी डी मेंबर में हमारा आ जाएगा 50 और है ना, बी डी मेंबर में 50 आएगा, सी डी मेंबर में 30। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शंस अगर देखें है ना, तो ऑप्शंस देखें तो ए बी का 0 है, ए बी का 0 है यानी ए का 3
और बी बी एसी है आपका 10, एसी है 10, तो 3-4 हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आईएस कोड, विच ऑफ फॉलोइंग आईएस कोड प्रोवाइड्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कोल्ड वेदर क्रिटिंग, है ना, कौन सा आईएस कोड जो है प्रोवाइड करता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए, तो वो आईएस कोड होता है आपका यहाँ पे आईएस कोड 7861 पार्ट 2 1981, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है फॉर पर्पस ऑफ एस्टीमेशन, एस्टीमेशन के पर्पस से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है वो यहाँ पे जो है आपका बताना है। टू फिक्स अप अ प्रोबेबल डाटा ऑफ कंप्लीशन ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स टू बी डन, और दूसरा कि टू इवेल्युएट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड इकोनॉमिक वियबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट और वर्क, तीसरा एस्टिमेट फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर एसेस इन द वैल्यूएशन ऑफ इट, तो तीन स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट जो दिया गया है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड, किसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड में जो लेंथ होता है शॉर्ट वाल का इज इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वाल माइनस, किसका माइनस होता है, तो माइनस होता है आपका यहाँ पे विड्थ ऑफ वाल, वाल का जो विड्थ होता है वो आपका माइनस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यूनिट ऑफ पेमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर अर्थवर्क फॉर एम्बैकमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर द अर्थवर्क ऑफ एम्बैकमेंट इज, तो वो होता है आपका क्यूबिक मीटर, क्या होता है पर क्यूबिक मीटर में आपका होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट, वन क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट कितना होता है वन क्यूबिक मीटर का, तो वो होता है आपका 7850 kg, कितना होता है 7850 kg। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग 60 mm यानी 60 mm डायमीटर कैजिंग पाइप फॉर ए ट्यूबवेल, है ना, ट्यूबवेल के लिए, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका दिया गया, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बोला जा रहा है कि फॉर फर्स्ट 20 meter डेप्थ 70 rupees per meter, दूसरा स्टेटमेंट बिलो 20 meter टू 30 meter डेप्थ 110 rupees per meter और बिलो 30 to 40 meter डेप्थ 150 rupees per meter, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग होगा हमारा 60 mm का, कितना 60 mm डायमीटर केजिंग पाइप का टू द डेप्थ ऑफ 40 meter, कितना 40 meter तक के डेप्थ का कितना रुपया लगेगा, वो आपको जो है लागत बताना है कितना आपका यहाँ पे लगेगा। तो देखो जीरो से 20 तक हमारा लगेगा 70 rupees, तो 20 गुने 70 प्लस 10 से हमारा वो हो गया, उसके बाद 20 से 30 मीटर यानी 10 मीटर हमारा हुआ, वो आ जाएगा हमारा 110 rupees प्लस, फिर 30 से 40 मीटर का हमारा लेगा 150 rupees,
यानी अगेन 10 मीटर गुने 150, सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेली पर कैपिटा डिमांड वैल्यू ऑफ वाटर सप्लाई, विद डेली पर कैपिटा डिमांड वैल्यू ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, बोला जा रहा है कि पर कैपिटा डिमांड फॉर बिग सिटी इज जनरली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू डैट ऑफ स्मॉल टाउन। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, फिक्स्ड मंथली रेट पॉलिसी ऑफ वाटर यूज चार्जिंग हैज मोर पर कैपिटा डिमांड व्हेन कंपेयर टू चार्जिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल मीटर रीडिंग। तो इसमें से जो तीन स्टेटमेंट दिया गया है, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। तो इन तीनों में से जो सही स्टेटमेंट है वो है आपका स्टेटमेंट टू और थ्री। स्टेटमेंट टू और थ्री जो है क्या है, सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एल्ड ऑफ वेल इज मेजर्ड इन, जो एल्ड होता है वेल का वो किस में मेजर किया जाता है, तो क्यूबिक मीटर पर आवर या लीटर पर आवर में। तो ऑप्शन ए एंड बी, मतलब आइदर या तो पहला या तो दूसरा, दोनों से कोई एक से मेजर किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एट वाट पीएच विल ई कोली बैक्टीरिया डाई इन वाटर, एट वाट पीएच विल ई कोली बैक्टीरिया डाई इन वाटर। तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन 9.5 अगर पीएच वैल्यू है, तो जो ई कोली बैक्टीरिया होता है पानी में मर जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन 10 मीटर साइड स्क्वायर सेप्ड सेडिमेंट्री टैंक है, द फ्लो रेट इज 100 क्यूबिक मीटर पर आवर। रेट जो है फ्लो का 100 क्यूबिक मीटर पर आवर। इफ़ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर जो है 2 मीटर है, तो डिटेंशन टाइम क्या होगा? टैंक का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 10 × 10 × 2, तो ये आ जाएगा 200 क्यूबिक मीटर जो है हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम जो है डिटेंशन टाइम अगर निकालें, तो डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय फ्लो रेट ऑफ वाटर। तो 200 डिवाइडेड बाय हमारा 100, यानी 2 घंटा लगेगा। कितना? 2 घंटा लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4 मेजर वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कौन है? वो है आपका यहाँ पे ट्री, ग्रिड आयरन, रिंग एंड रेडियल। तो ये जो है आपका है, ओके। उसके बाद अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि दो सीवर पाइप लाइन्स है ए और बी, क्या है ए और बी, हैविंग द सेम डायमीटर एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम डायमीटर और सेम मटेरियल से बना है, और लेड एट बेड स्लोप 1:225 एंड 1:625 रिस्पेक्टिवली। तो डिटरमाइन करना है रेशियो ऑफ कैरिंग कैपेसिटी क्यू ए एंड क्यू बी का, क्यू ए और क्यू बी का जो है आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, एस ए हमारा दिया गया है 1 बटा 225 और एस बी जो है दिया गया है 1 बटा 625, और
हमें निकालना क्या है, तो क्यू ए बाई क्यू बी जो है निकालना है। तो देखो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A बाई एन आर के पावर 2 बाई 3 गुने एस के पावर 1 बाई 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एस के पावर 1 बाई 2 का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तो Q A बाई क्यू बी तो आ जाएगा हमारा 1/1 225 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/625 के पावर 1/2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/3, तो हमारा जो आ जाएगा 5/3, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में आपका दिया गया जो कि सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टू डिसिपेट एनर्जी अ फॉल इज प्रोवाइडेड इन ए कनाल, अ फॉल विच हैज ग्रेजुअल कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व्स फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वाटर एंड टू रिड्यूज डिस्टर्बेंस एंड इम्पैक्ट इज, है ना, टू रिड्यूज डिस्टर्बेंस एंड इम्पैक्ट इज ए। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ओगी फॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम अ सिटी इज 95×10⁶ लीटर पर डे एंड एवरेज 5-day BOD इज 300 mg पर लीटर, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट टू द सिटी इज, तो जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होगा ऑफ द सिटी इज वो कितना आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। तो देखो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे औसत सीवेज दिया गया है वो है 95×10⁶ और जो 5-day BOD है 300 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा जो पर डे जो आएगा वो आ जाएगा 0.075×10⁶। तो 10⁶ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 380000, यानी 380000, 380000। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि जियोडेटिक सर्वेइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, जियोडेटिक सर्वे जो होता है प्लेन सर्वे से अलग होता है, क्यों अलग होता है, जो जियोडेटिक सर्वे है प्लेन सर्वे से अलग इसलिए होता है क्योंकि जो कर्वेचर होता है अर्थ का उसको इंक्लूड, एक में इंक्लूड करते हैं और एक में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चेन सर्वे मोस्ट सुटेबल होता है वेन हमारा ग्राउंड्स इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स, दूसरा एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, तीसरा प्लेन्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है इन सर्वेयर कंपास ग्रेजुएशंस आर शोन एज,
तो जो ग्रेजुएशन होता है वो आपका दिखाई देता है 0 degree एट नॉर्थ साउथ एंड 90 degree एट ईस्ट वेस्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज, इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 36 degree 15 minute, इट्स बैक बियरिंग विल बी, तो बैक बियरिंग निकालना है। तो देखो फोर बियरिंग हमें दिया हुआ है 36 degree 15 minute, तो एक 90 degree के अंदर है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में आएगा, किस में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अगर इसको हमको बैक बियरिंग निकालना है, तो बैक बियरिंग निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 180 degree से हमारा कम है फोर बियरिंग, तो 180 degree से कम है फोर बियरिंग, तो बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 180 जोड़ देंगे, तो 180 प्लस 36 degree 15 minute, तो आ जाएगा 216 degree 15 minute। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इट इज़ सिंपल एंड रिलेबल, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि एन द एनालिटिक लेंस कैन बी ईजली क्लीन्ड, तीसरा द एनालिटिक लेंस एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर दो कि जो एनालिटिक लेंस होता है कैन बी ईजली क्लीन्ड, ये जो स्टेटमेंट टू है ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट जो है पहला और दूसरा वो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइज ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 600 × 750 mm होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस जो होता है ये इंटरसेक्ट करता है इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ, कंटूर लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करता है इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट इरीगेशन इफिशियंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट इरीगेशन इफिशियंसी, तो हाइएस्ट इरीगेशन इफिशियंसी होता है ड्रिप इरीगेशन का, किसका, ड्रिप इरीगेशन का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक कनाल है वाज डिजाइंड टू सप्लाई द इरीगेशन नीड्स फॉर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस ऑफ 140 डेज बेस पीरियड हैविंग डेल्टा 134 सेंटीमीटर, इफ दिस कनाल वाज, है ना, या दिस कनाल वाटर, है ना, ये जो कनाल वाटर होता है इज यूज टू इरीगेट किया जाता है वीट जिसका बेस पीरियड जो है 120 दिन है, हैविंग डेल्टा 52 सेंटीमीटर एरिया इन हेक्टेयर दैट कैन बी इरीगेटेड, कितना एरिया जो है इरीगेट आपका होगा। तो देखो एरिया इरीगेटेड अगर हम यहाँ पे बात किया जाए तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, तो ए आर इंटू वी आर बाई 8.64 इंटू बी आर हो जाएगा, है ना, तो हमारा आ जाएगा 1200 डिवाइडेड गुने 1.34 डिवाइडेड बाई 8.64 गुने 140 इज इक्वल टू ए डब्ल्यू यानी एरिया इरीगेटेड इंटू 0.52 डिवाइडेड बाई, ये जो सेंटीमीटर में दिया गया है सेंटीमीटर को हमने क्या इसमें चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मीटर में मैंने जो है यहाँ पे चेंज कर लिया है।
डिवाइडेड बाय 8.64 गुने 120, तो 8.64 कट जाएगा। यहाँ पे हमारा 120 ये आ जाएगा 0, ये 0, ये 7 और ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 2650, कितना आ जाएगा 2650 हेक्टेयर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं हमारे 2650, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, क्या करना है करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है रिस्पेक्ट टू लैसिस थ्योरी ऑफ डिज़ाइन ऑफ कनाल। जो लैसिस थ्योरी ऑफ डिज़ाइन ऑफ कनाल है उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही स्टेटमेंट है हो जाएगा, वो हो जाएगा कि थ्योरी इंट्रोड्यूसेस सिल्ट फैक्टर, थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस करता है सिल्ट फैक्टर को एंड रिलेटेड टू मीन डायमीटर ऑफ वेड मटेरियल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो दूसरा सेक्शन आपका है जनरल स्टडीज़ का, तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि फॉलोइंग वाज द हार्बर इन हप्पा साइट, है ना, कौन सा जो है हार्बर था इन हरप्पन साइट पे, तो वो था आपका लोथल, कौन सा था लोथल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, दिल्ली से कहाँ चेंज किया था, तो दिल्ली से चेंज करके ये जो है लाया था आपका दौलताबाद, है ना, दौलताबाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड पुर्तगीज कैप्चर गोवा, गोवा को कब कैप्चर किया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा, तो 1510 ईस्वी में, कब 1510 में। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने प्रिसाइड किया था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड है ना, द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, तो ये आपका यहाँ पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अंडर शेड्यूल सात ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट, किस लिस्ट के अंदर जो है लाइज करता है, तो कंकरेंट लिस्ट, किस लिस्ट के अंतर्गत लाई करता है, तो कंकरेंट लिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेन द एलिजिबिलिटी एज ऑफ द राइट टू वोट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स, मतलब 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था वोट देने का अधिकार, तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस टाइम के राष्ट्रपति थे आर वेंकटा रमन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, सबसे पहली बार भारत का जो संविधान था उसमें संशोधन किया गया था, कब किया गया था संशोधन भाई,
सबसे पहला बार, तो सबसे पहला बार जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कंस्टेलेशन। ओरियो कंस्टेलेशन में तो रिगेल, कौन सा? रिगेल। अगला क्वेश्चन है, हाइपेरियन इज द नेम ऑफ वन ऑफ द मून्स ऑफ तो सैटर्न क्या हो जाएगा? सैटर्न। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेन क्लाउड्स। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे निम्बोस्ट्रेस्टस और आपका कुमुलोनिम्बस। तो एक और दो है ना, मतलब दो और तीन आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है आपका टोटल इनकम। क्या कहा जाता है? टोटल इनकम जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच सेंट्रल एजेंसी इशूज द करेंसी नोट को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI जो है रिलीज करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेरोफ्थैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड इन अप्रैल 2022 में जो रिलीज हुआ था उसमें, तो वो आपका है कर्नाटका। कौन सा स्टेट है? कर्नाटका टॉप पे था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एट विच प्लेस एशिया लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज सेट अप इन मार्च 2023 में सेटअप किया गया था। तो ये सेटअप किया गया था आपका यहाँ पे देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ वार अवार्डेड द पद्म विभूषण इन द पद्मा अवार्ड 2023। तो 6 लोगों को दिया गया था। कितने? 6 लोगों को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑपरेशन नार्कोस एंड अहत वाज कंडक्टेड बाय होम। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो ये कंडक्ट किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि व्हाट रैंक हैज़ बीन अवार्डेड टू इंडिया, व्हाट रैंक हैज़ बीन अवार्डेड टू इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज्ड इन जनवरी 2023। तो 85वां नंबर दिया गया रैंक, यानी 85वां रैंक जो है दिया गया इंडिया को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है सीख सके, समझ सके और अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सके, क्योंकि मेरा मकसद है कि एग्ज़ाम को बेहतर करना। तो अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं 2-3 बार, तब तक कैसे आपका बेहतर नंबर आएगा। तो बेहतर नंबर लाने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।